भैया भैया मैं दंश कौन है ये? एक मिनट, ये को साथ में तुम्हारे? मेरे साथ में नहीं है, मेरा कैमरा ऑन है, मेरे पास फुल रिकॉर्डिंग है। बताओ भैया कैमरा, ठीक है? अंकल जी को किसने उड़ाया बताओ मुझे। अंकल जी को कुछ नहीं पता, हम भैया साथ वाले हैं। गलती इसीलिए बताई मुझे। आपने वहाँ पे भी देखा कि वो जो अंकल जी है, मतलब जो थर्ड पर्सन था, वो बीच बीच में कर रहा था। सीन कुछ ऐसा है, अभी यहाँ पे तो हम आ गए थे हेमंत भाई मैं, सो हनी अभी बोल रहा है कि कहीं और जाना है यार, फक ऑफ, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है और बहुत पब्लिक है, सो वो लोग बोल रहे हैं कि कहीं और जाते, सो लेट्स गो। एंड यहाँ अभी हनी भाई से ब्लॉग, आज के ब्लॉग की चर्चा के लिए डिस्कस हुई थी, मतलब जो कल मैंने ब्लॉग डाला था TVS RTS रिटेल लॉन्चिंग का, तो उसी पे चर्चा चल रही है। आई थिंक हनी का प्लान चल रहा है, बिकॉज वो कम बजट में बहुत ही ज़्यादा उसमें ये है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसका फीचर्स एक्चुअली है उसमें, बट या बाय पावर अगर अपन देखने जाए तो 390 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट या प्राइस, पहले प्राइस कंपैरिजन चेक करेंगे, बट जो अच्छी लगी, क्योंकि क्विक शिफ्टर 390 मैं बता नहीं सकता भाई, बेस्ट कॉम्बो, एकदम टॉप नॉच, और वो सिंगल सिलेंडर सुपर बाइक है भाई, एकदम टॉप नॉच, एकदम टॉप टू टॉप बाइक, नो वर्ड्स टू स्पीक। एंड या वी विल डिस्कस ऑन इट, या फिर वो डायरेक्ट, गाइस आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग, बट कैमरा जो है वो यार ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, रिकॉर्डिंग उसकी बंद हो जा रही है, कुछ तो शायद तक इशू चल रहा है, आई थिंक सॉफ्टवेयर इशू होगा, मेरे को सॉफ्टवेयर एक बार इसका देखना पड़ेगा। लास्ट टाइम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया था, बट मैंने अपडेट नहीं किया, तो उसी के ऊपर चेक करना पड़ेगा मुझे। एंड हाँ, हमारा ये डिस्कशन चल रहा था कि आई थिंक वो सुपर बाइक भी ले सकते, क्योंकि यार 4 लाख में तो एक 4-4.5 लाख में ऑलमोस्ट 390 4 लाख 10,000 और 12,000 तक आ ही जाती है, सो यहाँ उतने में, और उसमें थोड़ा और तुम एक लाख बढ़ा के सुपर बाइक भी ले सकते हो, सो सुपर बाइक इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज फॉर एन एवरेज, मतलब एवरेज पर्सन, उसका जो माइलेज है 390 एंड सुपर बाइक सेम ही है, तो आपको इशारा मिल गया, यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट, तो या वी आर डिस्कसिंग ऑन इट, और 1 लाख डाल के आप उसकी एक सुपर बाइक भी ले सकते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए भाई थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इनके पास पहले से एक R15 है, मेरी गाड़ी तो उनके पास है, तो इन्होंने तो स्पोर्ट्स बाइक चला रखे, मतलब सिंगल सिलेंडर बाइक चला रखे, उनको आई थिंक inline 3 और inline 4 पे शिफ्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी वो क्या होते हैं क्या नहीं, बैठ के अभी डिस्कस करेंगे, तो आई थिंक अभी हम चाय सुट्टा जा रहे हैं, तो वही मिलते हैं आपको। अरे क्या हो गया भैया? ठीक हो आप? काका जी ठीक है? लगला नहीं लगला ना, थोड़ा खर्चा। हाँ बरा हाथ, अरे हाथ को लगाए, उनके हाथ को लगाए, एक सेकंड हाथ को लगाए। हनी हनी मेरी गाड़ी ला, उसमें टू ये मेडकिट है, दोनों गाड़ी चाह हेमंत वो अंकित गाड़ी ला, मेडकिट है उसमें, एक सेकंड है मेरे पास मेडकिट है, मेरे पास मेडकिट है, रुको। फक्ड अप गाइस, फुल फक्ड अप यार, शिट।
ठीक है ना भैया साहब, ठीक है ना, आपको आपको देख लो एक बार, चेक कर लो भैया, अंदर नहीं मार वगैरह कुछ आपको चचा सब। हाँ एक सेकंड मेरी टिकट है मेरे पास, कॉटन है क्या? देखो हाँ कॉटन है। कॉलोनी के तो मैं पूछा तुमको किसने उड़ाया, तुमको ना? हाँ तो कैसे भैया भैया मैं डंक को नहीं है, एक मिनट ये को साथ में तुम्हारे, मेरे साथ में नहीं है, मेरा कैमरा ऑन है, मेरे पास फुल रिकॉर्डिंग है। बताओ भैया कैमरा, ठीक है? अंकल जी को किसने उड़ाया बताओ मुझे। अंकल जी को कुछ नहीं पता, हम भैया साथ वाले, गलती इसी है, बताइए मुझे आपको लगा है क्या कॉटन है क्या उसमें? कॉटन है अंकल जी ने क्या? वो बुजुर्ग आदमी है, ठीक है? एक सेकंड भैया, एक सेकंड, आपका पहले पता करो हादसा हुआ कैसे। हाँ वही मैं पूछा है, किसने उड़ाया? ये क्लेम कीजिए। नहीं नहीं क्लेम की बात ही नहीं है, ठीक है? ठीक है, क्लेम की बात ही नहीं है, उड़ाया बात नहीं है। क्या गलती किसी वाले बता करो? तो तुम हो के बीच में, तुमने उड़ाया? मैंने उड़ाया। हाँ ठीक है, चाबी मेरे पास, एक सेकंड। हाँ मेरे पास ये, तो तुम स्पीड में आए, तुम्हें थोड़ा देखना चाहिए ना, टर्निंग है तुमको। अरे राइट ऑफ है मेरा यहाँ पे, राइट ऑफ है नहीं, टर्निंग है, डिवाइडर है वो, यहाँ पे डिवाइडर है वो, ठीक है? आपको पता है क्या डिवाइडर है? आवाज नीचे गए बात करो पहले तुम, आवाज तुम बता पहले। पहले मैं नहीं, पहले तुम बोले ना, वहाँ से तुम आए बोले, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। डिवाइडर का अंकल बाजू में, इनको करने दो, इनका अपना देख लो। वो बोला मैं ये बोला कि थोड़ा देख के चलना चाहिए तुमने, टर्निंग में कॉटन है उसमें, वो क्रैप बैंडेज है, उसको एक काम कर, उसको निकाल, खोल उसको क्रैप बैंडेज को पूरी, क्योंकि नहीं मैं बोलूँ भी नहीं, बोलने दो ना, सही सही बोला मैंने, बोला सही बोला, मैंने बोला किसने उड़ाया, बोला उड़ाया वर्ड गलत है ये, वो जान दो, ठीक है? लेकिन अब हुई गलती हुई ना, मानते ना गलती हुई है, बुजुर्ग आदमी है वो, अंकल एक इंजेक्शन ले लेना, कल इंजेक्शन ले लो आपसे। अब भैया मैटर करने का कोई टॉपिक ही बनता नहीं था, बुजुर्ग आदमी है वो, लग जाए कम ज्यादा हो जाए मैं घर पे पूछ लूंगा सर। हाँ आपकी बात बराबर है, आपकी बात बराबर है, हो जाए ना तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर, ठीक है? अपन तो ठीक हो जाएंगे भैया, ऐसा बात नहीं है भैया, आपको मैटर इशू इतना बड़ा करने का बनता ही नहीं था ना। पिन का है वो हनी काका, आप पहले दवाखाना चले जाओ, कहाँ रहते आप? अपन अपना चल जाता है, बुजुर्ग आदमी है वो। अरे तो जानबूझ, जानबूझ की बात नहीं है, यहाँ कॉलेज में बच्चे निकलते हैं, गलती हो जाती है, पूरा अपनी गाड़ी है तो सब अपने अपने हिसाब से चलते ना। एक सेकंड एक सेकंड, दवा खाए चाहिए अंकल जी, आप ठीक है ले लो इंजेक्शन, छोड़ दो घर, छोड़ दो गाड़ी है क्या, ठीक है? क्या है कहाँ पे, कहाँ पे? और मोड़ो मत, आता तुम मोड़ो, पैर को लगा, पैर वगैरह को नहीं लगा अंकल, ठीक है ध्यान रखो अंकल, कहाँ घर पास में है? छुड़वा दूंगा मैं, जाओ। हाँ ठीक है ना भैया, थैंक यू भैया, भैया आपका कुछ इशू नहीं, ठीक है। एज यू कैन सी गलती तो वो बूढ़े अंकल की थी, बट यार ये है ना, वो जो दूसरा पर्सन आया था, आई थिंक पाजी है वो, तो वो पाजी ये बोल रहे थे कि गाइस तो वो बंदे की गलती है एंड ऑल, बिकॉज ही इज ऑन हाईवे एंड ही इज ओवर स्पीडिंग। तो गाइस जैसा कि आपने देखा मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, वो ओवर स्पीड नहीं कर रहा था एवरेज एंड वो गाड़ी क्रूज कर रहा था अपने अपने ऑफिस से, वो चाचा की गलती है एक्चुअली, वो चाचा ने बिना देखे डाला, बट हाँ यार अभी वो चाचा को भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी बहुत एजेड थे,
बट यार अभी देखो वो चाचा की गलती मान ली उन्होंने कि उनकी गलती बिना लेके डाला है एंड ऑल, जैसा आपने सुना। बट यार वो जो थर्ड पर्सन है वो कौन होता है यार बोलने वाला कि यहाँ से धीरे चलाओ एंड ऑल? ऊपर से हाईवे है ना भाई, तो हाईवे पर तो गाड़ी सब लोग अपना क्रूज ही करेंगे ना भाई, सामने ही ध्यान देंगे ना, आजू बाजू कौन इतना ध्यान देता है, बिकॉज वो हाईवे है। तो यार वो भी हमारे ऊपर चढ़ रहा था कि भाई तुम कैसे बोल सकते हो हमारे बीच में, तुम हो के इसके बाद ऐसा वैसा। तो गाइस तो वही सीन हो गया कि भाई अगर तुम हेलमेट वेलमेट लगा के अगर घूम रहे हो तो तुम्हारी गलती है बाइकर एंड ऑल, तो अगर तुम एक बाइकर हो तो तुम ओवर स्पीड कर रहे हो हाईवे पे। सो भाई अभी मैं को नहीं लगता भाई ये सब ठीक है अभी। हाँ गलती अभी अच्छा हो गया उसने हेलमेट वेलमेट पहन के था तो उसको कुछ लगा नहीं होता, अगर हेलमेट पहन के नहीं होता तो आई थिंक मेजर डैमेज बहुत खुद नागास्ता अच्छा होगा उसको कुछ नहीं हुआ। बट यार तो भी वो चाचा भी मतलब वो पाजी जो है वो हमारी गलती दिखा रहा था, मतलब एक्चुअली जो भैया है उनकी गलती दिखा रहा था कि वो ऐसा वैसा। सो या बी अवेयर फ्रॉम दिस गाइज एंड अच्छा हो गया वो कैमरा चालू था और भैया की गलती, मैं उनको बोला तो बोले कि आपका गलती दिखा रहे हो एंड ऑल। तो हमने फिर मेडिकेट वेडिकेट किया और चाचा को घर भेज दिया अभी। तो चलो यार गाइज अपन तो चाय छुट्टा आ गया, फटाफट से चाय वाय पीते हैं पहले एंड घर पे आके इस बात पे डिस्कस करते। मेरे को तो अभी कुछ पता नहीं होता कि क्या हो गया क्या नहीं, तो घर पे जाके मैं पहले फुटेज चेक करता हूँ एंड सो या वॉइस ये उसका नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग है। सो जैसा कि आपने देखा होगा कि वो जो अंकल थे उन्होंने थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह किया, बट गलती अंकल की थी। अंकल जो है वो बीच रास्ते बीच हाईवे पर रुके थे एंड हाईवे पे भाई बीच में रुकना ये अच्छा मतलब सही बात तो नहीं है ना, क्योंकि भाई गाड़ी स्पीड में रहती है, कंट्रोल होती नहीं होती। हाँ गलती दोनों की है बट रिलेटेड भी गाइस, हमने उन अंकल का मेडिकेट वगैरह किया एंड वहाँ से निकल गए। उसने कुछ पता किया नहीं किया एंड मैंने बोला उसको भाई मेरा कैमरा में फुटेज चेक कर ले कि वो अंकल जी मतलब जो बूढ़े अंकल है उनकी गलती है, वो तो मेरे ऊपर ही चढ़ रहा था। तो अगर गाइज आपके मतलब ऐसा कभी होता, खुदा ना खास्ता होना जाए बट कभी होता होगा, तो यार पहले आप पूरा सिचुएशन पता कर लो एंड उसी के बाद कुछ एक्शन लेना भाई, बिना जाने कुछ एक्शन लेना। सी यू सून द नेक्स्ट ब्लॉग, राइड आर डाइट सेफ, बाय बाय।